तो हो चलिए एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए मार्च के अंतिम सप्ताह के लिए रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें 22 मार्च की। 22 मार्च को चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में रहेगी, जो आपके राशि स्थान से पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा के होने से इस समय में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान का सुख आपका बढ़ेगा, संतान से अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आपका अपनी संतान के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्नेह रहेगा पंचम भाव में चंद्रमा के होने से। इसके अलावा आप में कोई सृजन क्षमता है तो आप उसको अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, साथ ही साथ आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। इस दौरान विशेष रूप से आपको पैसे से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनमें अच्छी सफलता मिलेगी। आपको शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा या फिर लॉटरी से काफ़ी फायदा हो सकता है। चंद्रमा का पंचम में गोचर होने से आप में इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे और आपके ऊपर आपकी जो भावनाएं हैं वो हावी रहेंगी, यानी आपके इमोशंस का असर सीधा सीधा आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। तो इस दौरान कुछ ऐसे डिसीजन भी आप लेंगे जहां आपके डिसीजन आपके मन से ज़्यादा प्रभावित होंगे बल्कि आपके दिमाग से कम प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में आप किसी की बातों में आकर भी कोई डिसीजन ले सकते हैं। प्रेम संबंधों में ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। साथ ही जिनका कोई प्रेम संबंध नहीं है उनके लिए एक नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। चंद्रमा के पंचम भाव में गोचर करने से आप अपनी संतान या फिर अपनी एजुकेशन से संबंधित कोई नया डिसीजन ले सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग आपके लिए इस वीक की काफ़ी अच्छे से हो रही है और इसमें आपको कोई भी अपना ऐसा कार्य करना है तो आप कर सकते हैं। चंद्रमा के यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके लाभ स्थान पर। अब लाभ स्थान पर पड़ने से आपके लाभ में वृद्धि होगी। आपकी कोई बहुत लंबे समय से ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही थी वो पूरी होगी। साथ ही इस समय में आपके पास धन का जो भंडार है वो बढ़ेगा। इस दौरान आपको अपने दोस्तों से भी, अगर आप किसी से भी सहायता चाहेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। तो चंद्रमा का ये स्टार्टिंग का जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करें 23 और 24 मार्च की, तो इस दौरान चंद्रमा की स्थिति अपनी खुद की ही राशि में आपके सिक्स हाउस में होगी। अब सिक्स हाउस में चंद्रमा के होने से आपको कोई पुरानी बीमारी है उससे दिक्कत हो सकती है। इस दौरान अगर आप धन का लेन देन किसी के साथ करते हैं तो सोच समझकर ही करें। आप कहीं से भी उधार ना लें, ना ही आप किसी को उधार दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। चंद्रमा के इस गोचर में आपको चाहिए कि आप अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखें। इस दौरान अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस दौरान आपको नींद लेने में भी परेशानी हो सकती है, तो यहाँ पर आपका रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है इन 2 दिनों में। इसके अलावा आपके ऑफिस का जो वातावरण होगा वो भी आपके पक्ष में नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको बेवजह परेशान करने की कोशिश करें। इस दौरान अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। तो चंद्रमा का ये 2 दिन का जो समय है वो कुल मिलाकर अच्छा नहीं है। तो इन दिनों में अपना जो रूटीन है उसको अच्छा बनाए रखें, कंटिन्यू रखें और जहाँ तक हो सके अपने खर्चे को कम से कम करने की कोशिश करें और धन को बढ़ाने की कोशिश जरूर करें। इसके बाद 25, 26 और 27 को चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में होगी, जहां ये आपके सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में अब चंद्रमा के आने से आपके जो भी डिसीजन आप लेंगे वो सही साबित होंगे। आप तेजी से कार्य कर पाएंगे। हेल्थ की कोई समस्या आपको नहीं होगी। चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से इस समय में आपको आपके पार्टनर का अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ कोई ऐसी घटना आपकी लाइफ में घट सकती है, नया कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे कोई नए बिजनेस की शुरुआत आप करें या आप एक नई लाइफ की शुरुआत करें, ऐसा कुछ आप फील करेंगे। साथ ही साथ ये समय में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप जिस भी कार्य को करेंगे उसको काफ़ी आसानी से कर पाएंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये समय में आप इमोशनल हालांकि काफ़ी रहेंगे और आपका पार्टनर भी कुछ ऐसा ही फील करेगा, क्योंकि चंद्रमा है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस देते हैं और आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादारी से इस समय में पेश आएंगे। तो आपकी मैरिड लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो दूर होंगी। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। चंद्रमा यहाँ से आपके राशि स्थान को देखने से
आप काफी अच्छा महसूस करेंगे और खुद पर भी फोकस करेंगे। तो ये समय कुछ ऐसा होगा जब आप लंबे समय के लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा की जहां तक बात है 28 और 29 को ये एक राशि आगे बढ़ जाएंगे। एक राशि आगे बढ़कर ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे जहां पर इनकी स्थिति आपके लिए अच्छी साबित होगी। पर इस समय में मानसिक तनाव आपको जरूर रह सकता है। चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से इस समय में आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, आपको आपके इन-लॉज से फायदा हो सकता है। तो चंद्रमा की ये अष्टम की स्थिति है वो अचानक आपको फायदा करवाएगी। चंद्रमा यहाँ से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, दूसरे भाव पर इनकी दृष्टि होने से आपको इस समय में खान पान में कुछ परिवर्तन करना पड़ सकता है। इसके अलावा वाणी काफी मधुर होगी, तो वाणी की मधुरता से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। अपनी फैमिली मेंबर्स या अन्य किसी व्यक्ति से भी कोई काम आपको निकलवाना है तो आप निकलवा सकते हैं। इस दौरान आपको धन की अचानक प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा का ये अष्टम का गोचर आपको अकल्ट साइंस में या कोई रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देगा। तो ये जो दो दिन रहने वाले हैं, मानसिक रूप से हालांकि स्थिति इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती और कोई एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी रहेंगे, पर धन आपका जरूर बढ़ेगा। साथ ही साथ इस समय में आप खाने में सफेद वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। तो आप में कोई भी क्रिएटिविटी है या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां पर वाणी का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहेगा अपनी वाणी के द्वारा लाभ पाने का। इसके बाद की जो स्थिति रहेगी चंद्रमा की, 30 और 31 को चंद्रमा आपके आगे बढ़कर एक स्थान और नवम भाव में चले जाएंगे। नवम भाव में इनकी स्थिति तुला राशि में होगी, तो तुला राशि का जो चंद्रमा रहेगा आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस दौरान भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा, आपको दूर की यात्राओं में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, साथ ही विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। चंद्रमा के 9th हाउस में होने से ये समय में जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी लाभ होगा। आपको आपके पिता से अच्छी मदद मिलेगी, बुजुर्गों का और आपके गुरुजनों का अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। तो इस समय में आपको चाहिए कि आप उनसे कोई सलाह ले सकते हैं। चंद्रमा 9th हाउस में होने से निश्चित ही आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी। यहाँ से चंद्रमा देखेंगे आपके तीसरे भाव को, तीसरे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपके लिए ये समय में छोटी छोटी यात्राएं भी काफी हो सकती हैं और इन यात्राओं की वजह से आप शारीरिक थकान भी महसूस कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप विश्राम जरूर लें। साथ ही जो तीसरे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है उस वजह से आपका अपने भाई बहनों के साथ कुछ संबंध जरूर जुड़ेगा इस समय में और उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। चंद्रमा के तीसरे भाव को देखने से हालांकि आप मेहनत तो करेंगे पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। चंद्रमा के तीसरे भाव पर एस्पेक्ट की वजह से आपको मीडिया के क्षेत्र में या फिर कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कोई भी फील्ड में अच्छी सफलता मिल सकती है। तो चंद्रमा का ये तीसरे भाव पर जो एस्पेक्ट है बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और आगे बढ़ें। इसके साथ ही देखिए 9th हाउस में चंद्रमा है तो निश्चित ही आपको ज्यादा से ज्यादा रुचि कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में या कोई धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने में या ऐसी जो अन्य पुस्तकें हैं उनको पढ़ने में जरूर रहेगी। तो ये हम कह सकते हैं ये जो समय है अंतिम दो दिन का वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और अच्छा रहने वाला है। तो इस वीक में आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 4 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा हरा रंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।